नमस्कार और स्वागत है आपका शुभ अंक में। मार्केट लाइव की हम शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले एक शुभ काम से शुरू करते हैं, एक शुभ अंक से शुरू करते हैं। कम से कम हफ्ते के पहले दिन भी और हफ्ते के आखिरी दिन भी हम जुड़ते हैं देश की जानी मानी वास्तुशास्त्री, ज्योतिषी, स्टॉक मार्केट की एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल बाखरे जी से। शीतल बाखरे जी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से शेयर बाजार, हमारा अर्थ, हमारे खुद की आर्थिक स्थिति और बाकी सारी चीजों को कैसे संभाला जाए, कैसे उसको बेहतर किया जाए। शीतल जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। शीतल जी बहुत स्वागत है आपका फिर हमारे शो पर। गुड मॉर्निंग सर जी। तो शीतल जी, आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपसे, आज हम वास्तु के अराउंड ही बात करने जा रहे हैं, जो कि हम फ्राइडे को आपसे वास्तु समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहली चीज जो हमने, वैसे तो ठीक है कि वास्तु पे बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी कि हम वास्तु कहाँ से शुरुआत होता है, लेकिन घर पे जो वास्तु शुरू होता है, किसी भी घर पे या किसी के ऑफिस पे वो शुरू होता है उसके दरवाजे से, उसके मुख्य द्वार से। मुख्य द्वार की कितनी इम्पोर्टेंस है वास्तु के अंदर में और उसमें क्या क्या चीजों का रखना चाहिए ध्यान? यस, डेफिनेटली मेन एंट्रेंस ही बहुत जरूरी होता है वास्तु में, जो ऊर्जा का स्रोत होता है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जो भी आती है ये मेन डोर से ही एंटर करती है। मतलब हम लोग जब बाहर से आते हैं तो ये लाइक जैसे हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं उस टाइप की एनर्जी हम लोगों के अंदर आती है, क्योंकि स्वास्थ्य, धन, रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ और एजुकेशन और नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज के लिए मेन डोर का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जी, तो जब हम ये बात करते हैं कि इतनी इम्पोर्टेंट होती है मुख्य द्वार की पोजीशन या उसकी स्थिति, तो दिशा के हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें तो मुख्य द्वार की दिशा होनी क्या चाहिए, किस तरह खुलना चाहिए? मेन डोर की जो एंट्रेंस की जो दिशाएं होती है वो एक्चुअली ओनर के बर्थडेट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। एज पर योर वास्तु एरिया और ओनर की जो बर्थडेट होती है उस हिसाब से काफी सारे कैलकुलेशंस किए जाते हैं। बट हाँ, मोटा मोटी अगर हम लोग देखेंगे तो उत्तर पूर्व ज्यादा अच्छी होती है। बहुत बार काफी सारा नॉलेज लोगों के पास ऐसे कम नॉलेज होता है कि दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व ना रखे, मतलब ये डायरेक्शन का यूज ना करे तो ज्यादा बेहतर होता है। और हाँ एलेक्सर, अगर है, मतलब बाय मिस्टेक आपका दरवाजा अभी वैसे ही बना हुआ है तो उसका टेंशन ना ले, उसके ऊपर काफी सारे सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि सीसा हो गया, पिरामिड हो गया, लिड हेडिक्स हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड, सिल्वर और पंचधातु के यूज के साथ हम लोग उस जिसे आप लोग वास्तु दोष समझ रहे हो, एक्चुअली गलती से वो डायरेक्शन अभी बन गई है तो उसे चेंज करना डिफिकल्ट है, तो ये सारी चीजें यूज करके हम लोग वो डायरेक्शन भी एक्टिव कर सकते हैं। जी हाँ, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है किसी के लिए भी, क्योंकि हर हमेशा मुख्य द्वार या कम से कम चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। एक प्लॉट होता है या एक एरिया होता है तो कहीं ना कहीं वो फिक्स होता है, तो उसको चेंज करना, घर के अंदर में बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं लेकिन मेन डोर कैसे चेंज करेंगे या उसकी दिशा कैसे बदल सकते हैं, तो वो तो उसी साइड ही रह सकता है। लेफ्ट राइट थोड़ा बहुत तो शायद फिर भी किया जा सकता हो कि उसको इधर से उधर खिसका ले, लेकिन उसको पीछे की तरफ या किसी और दिशा में वो ऐसे ले जाना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि उसको भी, उस दोष को भी दूर किया जा सकता है उसके आसपास बहुत सारी चीजें करके या उसके ऊपर में। इसके साथ साथ फिर शीतल जी मेरे को ये बताइए कि उसका मटेरियल क्या होना चाहिए? लकड़ी का होता है, लोहे का होता है, गेट बहुत तरीके का बनता है और सिक्योरिटी सेफ्टी के हिसाब से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। और आजकल तो बहुत सारे नए तरीके के भी मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक और पीवीसी और कौन कौन से तरीके के डोर्स आते हैं, कौन सा मटेरियल आइडियल है और दोनों चीजें हो जो कि हमारे लिए सुरक्षित भी रहे और उसके साथ साथ वास्तु के हिसाब से भी वो अच्छा रहे? यस, डेफिनेटली काफी सारे मटेरियल आजकल बहुत फैंसी मटेरियल यूज होने की कोशिश, आर्किटेक्चर्स एंड डिजाइंस इतने डेवलप हो गया है, तो वहां पे मैं मोस्ट ऑफ टाइम जब वास्तु देखती हूँ और जब मुझे पता चलता है कि इस वास्तु में दोष है, तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने नंबर प्लेट का लिया था, उसके बाद में आपका आता है मेन डोर। जो मटेरियल होना चाहिए वो मोस्टली अगर आप देखते हो तो लकड़ी का होता है, बट उस लकड़ी में काफी सारी वैरायटीज आती है, जैसे कि पंचधातु भी हम लोग उस लकड़ी में ऐड कर लेते हैं, रेलवे रूल की जो लकड़ी होती है वो, जामुन की लकड़ी और कुछ अंश हम लोग जामुन की लकड़ी का उसमें ऐड करते हैं, कभी हम लोग चंदन की लकड़ी उसमें थोड़ा बहुत अंश ऐड कर देते हैं। ये सारी वास्तुओं की दिशाओं के हिसाब से एज पर ओनर बर्थडेट और मैप आपका जो होता है, जो एरिया आपका होता है ना, उस एरिया पे काफी सारी चीजें डिपेंड करती है कि एग्जैक्टली उस लोकेशन में हम लोग जो डोर, मेन डोर ले रहे हैं
उस लोकेशन के हिसाब से, उस डायरेक्शन के हिसाब से वहां पे कौन सा मेटल, कौन सी चीजें परफेक्टली सेट होगी, उसके बाद में ही वहां पे हम लोग बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल कौन सा आइडियल होगा, तो हर दरवाजे के लिए एक कॉमन चीज़ नहीं है कि केवल इसी लकड़ी का हो तो सबसे अच्छा है, या ऐसा कुछ नहीं है। वो उसके डायरेक्शन, उस जगह पे उसके बाकी दिशाएं और वो सारी चीज़ों को देखते हुए हर दरवाजे को अपने तरीके से एनालाइज करना होगा। तो हर किसी को अपना मेन डोर, और एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि शीतल जी से संपर्क कर सकते हैं। शीतल जी, मैंने सुना है कि आप कुछ एक दो दिन आप मुंबई जा रही हैं, और वहाँ पे आपकी कुछ क्लासेज और कुछ कुछ चीज़ें और कुछ कंसल्टेंसी आप देने के लिए जा रही हैं। यस सर, 7th और 8th में मुंबई में हूँ, और 2 दिन ओनली फॉर वास्तु विजिट एंड न्यूमोलॉजी के लिए स्पेशली मैं वहां पे हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। तो जो दर्शक हमारे मुंबई से जुड़ते हैं और जो अगर शीतल जी से मिलना चाहते हैं मुंबई में, तो वो 7 और 8 तारीख में उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनके नंबर्स, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी हैं, तो आप उनसे संपर्क करके शीतल जी से और उनसे समय ले सकते हैं पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए। और उसमें शायद आप ये भी समझ सकते हैं, अगर जिस तरीके से हम आज मुख्य द्वार की बात कर रहे हैं, तो आप वो भी समझ सकते हैं कि कैसा द्वार होना चाहिए, या आपके दरवाजे में अगर कोई चेंजेस कराने की जरूरत है तो वो भी, और उसके अलावा भी पूरे घर का वास्तु भी, और या न्यूमरोलॉजी से भी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। शीतल जी, फिर वापस आते हैं दरवाजे पे। दरवाजे का लुक एंड फील एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अभी हम जो मटेरियल की बात कर रहे हैं, मटेरियल के साथ साथ उसकी विजिबिलिटी, उसकी क्वालिटी, वो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि वो देखने में कैसा लगता है। तो उसके कलर भी हो सकता है, उसके ऊपर में डेकोरेशन हो सकता है, उसका भी वास्तु से कोई संबंध है, और उसके अराउंड भी कुछ चीज़ें ऐसी सोचनी चाहिए या ध्यान रखनी चाहिए। यस डेफिनेटली, बहुत बार ऐसे होता है ना, आपका दरवाजा है ना वो दिखता ही नहीं है, मतलब लाइक हम लोग उसे बोलते हैं कि जब भी वो विजिबल होना चाहिए, क्योंकि ये मेन अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है, पॉजिटिव स्रोत आपके घर में, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आने वाली है, तो वो जो डोर है ना वो विजिबल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है। और आपकी जो लेंथ है, आपका फ्लैट होने दीजिए, बंगलो होने दीजिए, इंडस्ट्रीज होने दीजिए, शॉप होने दीजिए, जो भी है उस हिसाब से आपके दरवाजे की लेंथ, फीट और विड्थ दोनों बहुत मैटर करते हैं। मोस्टली अगर जहाँ पे हम लोग कॉमनली देखते हैं तो 7 फिट और ऊंचा होना चाहिए और 3 फिट चौड़ा होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट कैलकुलेशन एज पर, अगर रैंडमली आप जाओगे तो 7 फिट उसकी हाइट होनी चाहिए और 3 फिट अगर चौड़ा होता है तो वो दरवाजे की साइज ऑलवेज बेस्ट होती है। ठीक है, इसी में एक चीज और फिर ऐड कर लेता हूँ, एक सवाल और पूछ लेता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं 7 बाई 3, जमीन 7 फिट हाइट और 3 फिट चौड़ा, ये आइडियल है, इसे बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा होगा। यस डेफिनेटली, मतलब लाइक उतनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी, बट वही हो गया एलेक्स सर, एज पर आपकी प्लॉट का जो एरिया है वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि अगर प्लॉट का एरिया छोटा है और दरवाजा बड़ा हो तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बहुत मैटर करता है आपके प्लॉट का एरिया कितना है, आप एग्जैक्टली किस चीज के लिए वो दरवाजा बना रहे हो, क्योंकि काफी डिफरेंट तरीके के जगहों पे हम लोग मेन डोर्स लगा सकते हैं, तो वहां पे मेन डोर की कैलकुलेशन बहुत जरूरी होती है एज पर आपके वास्तु के एरिया के हिसाब से, बट कॉमनली अगर आप देखोगे तो 7 फिट हाइट और 3 फिट चौड़ाई बहुत अच्छी होती है। जी ठीक है, तो ये आइडियल एक 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 बेसिक टेम्पलेट दे दिया है शीतल जी ने कि 7 बाई 3 अगर 7 फिट ऊंचा और 3 फिट चौड़ा अगर दरवाजा है, तो वो एक अच्छा साइज माना जाता है वास्तु के हिसाब से भी। उससे बड़ा अच्छा हो सकता है, कब हो सकता है, किन स्थितियों में हो सकता है, उसके लिए बाकी वास्तु, बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा, जिसमें आपका प्लॉट साइज या किस तरीके का फ्लैट है या बाकी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा शीतल जी, फिर लेकिन उसके आसपास भी तो कुछ सजावट करी जाती है, हम कभी उसके अगल बगल कुछ गमले रख देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, ऊपर लाइट लगा देते हैं, कुछ और चीज़ें, वो कितना मैटर करते हैं। यस, मैं बहुत बार देखती हूँ, मतलब मैं जब भी जाती हूँ तो पहला जो अट्रैक्शन होता है आपका मेन डोर होता है, और मेन डोर से ही मुझे लगता है कि घर के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, मतलब कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितनी निगेटिव एनर्जी है, वो आपकी मेन गेट से ही पता चल जाता है। अगर आपकी मेन गेट के आसपास कूड़ादान हो तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए, आपका जो डोर है वो एनर्जी लेके आ रहा है, तो उस एनर्जी को कैच करने के लिए आपको भी रेडी होना चाहिए, तो प्रॉपर लाइट उसके ऊपर होना चाहिए। एज पर हम लोग जिस भी रिलीजियन से बिलोंग करते हैं उस
भगवान जी की पिक्चर आपके डोर के ऊपर के साइड होनी चाहिए, फिर उसमें स्वस्तिक हो गया, गोल्ड प्लेटेड आप कुछ डेकोरेट कर सकते हो, मार्बल की चौखट आप लगा सकते हो, और देन रंगोली। देखो हमारे पुराने पूर्वज जो थे वो हमेशा मेन डोर के सामने इतनी क्लीनिंग रखते थे, और रंगोली तो सुबह सुबह निकाली ही जाती थी। आजकल वो नहीं होता है, क्योंकि वो मेन चीज है कि सजावट जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, खासकर जब आपका मेन गेट आपके लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भरा होना चाहिए। जी, और ये एरिया टू एरिया मतलब ज्योग्राफिकली भी डिफर करता है, जब हम कह रहे हैं कि आजकल नॉर्मली नहीं होता ये सजावट, लेकिन मैंने कई जगह साउथ में खासकर देखा है कि वहाँ पे आज भी वहाँ के घर के जो बुजुर्ग हैं वो जरूर सुबह उठ करके और सुबह सुबह दरवाजे के सामने या बाहर मेन डोर पे वो चावल के उससे आटे से और बहुत सारी और चीज़ों से, फूलों से, और उससे कुछ रंगोली आज भी बनाते हैं। दुकानों के सामने भी मैंने देखा है कि सुबह अगर निकलो तो वहाँ पे, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, और आप कह रहे हैं कि ये इस तरीके की चीज़ें अच्छी रहती हैं। लेकिन जब आप डेकोरेशन की बात कर रही हैं शीतल जी, एक कुछ बेसिक डूज एंड डोंट्स अगर आप हमें बता दें कि क्या चीज़ें करनी चाहिए दरवाजे में, दरवाजे के आसपास, या क्या चीज़ें होनी चाहिए ओवरऑल एक दरवाजे को लेकर के, मुख्य दरवाजे डोर को लेकर के, क्या चीजें ठीक हैं और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। रेड कलर का यूज डेफिनेटली कहीं पे भी मत करिए, रेड लाइट भी मत लगाइए। जैसे अभी हमने बोला कि लाइट प्रॉपर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, तो विजिबल होने के लिए हम लोग लाइट का यूज कर लेते हैं, तो वहां पे लाइट का, रेड लाइट का यूज ना करें। दरवाजे पे 24 नंबर ब्लू कलर से आप लोग लिख सकते हो। वास्तु के हिसाब से, दिशाओं के हिसाब से कौन सी मूर्ति है, बहुत बार ऐसे होता है रिसोर्ट रेस्टोरेंट हम लोग जाते हैं तो वहां पे अननेसेसरी काफी सारी मूर्तियां रखी होती है, जिसका कभी कभी बैड इफेक्ट भी हो सकता है। तो एज पर वास्तु मैं सजेस्ट करती हूँ कि कौन सी मूर्तियां वहां पे अच्छी रहेगी। काले रंग का भी यूज आप ना करें। मेन डोर से जब आप एंटर करते हो अंदर, तो सामने बाथरूम ना हो या फिर टॉयलेट ना हो तो सबसे बेस्ट होता है। सीढ़ियों का नंबर बहुत जरूरी होता है कि आपके मेन डोर के एंट्रेंस तक जब मैं पहुंच रही हूँ तो कितनी सीढ़ियां मैटर करती है, वो भी बहुत मैटर करती है वो। और जो मेन डोर बनाने वाले हैं ना, जो आपके लिए मेन डोर सजेस्ट कर रहे हैं या फिर बनाने वाले हैं, उनकी एनर्जी बहुत मैटर करती है। ये चार पांच चीजें अगर आप संभाल लेते हो तो यस डेफिनेटली आपका मेन डोर आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये आपने हमें बहुत सारी अच्छी चीजें वाली बता दी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें एक मेन चीज जो मुझे याद रहती है वो डस्टबिन है, क्योंकि ये एक नॉर्मल कॉमन सी प्रैक्टिस है कि सुबह कूड़े वाला आएगा या उठाएगा या कुछ होगा तो उसके लिए हम बाहर निकाल करके रख देते हैं या दरवाजे के पास रख देते हैं, तो उसका कुछ और अरेंजमेंट होना चाहिए, कहीं और किसी और जगह रखनी चाहिए अपने दरवाजे के आसपास, कम से कम कूड़ा नहीं रखा जाए, डस्टबिन ना रखा जाए, तो वो एक चीज मुझे याद रहती है हमेशा। शीतल जी, इसके अलावा कोई और चीजें या कुछ और ऐसा कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं जो दरवाजे को लेकर के, मेन डोर को लेकर के, जो आपको लगता है कि उसमें क्या चेंजेस या कोई और चीज जो अभी हम इस चर्चा में छूटा हुआ हो अभी भी? Yes, definitely, आपका डोर जो है वो सर्कल शेप में नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अभी कूड़ादान की बात की है तो डेफिनेटली शू रैक भी हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम दरवाजे के बाहर रख देते हैं, वो भी ना रखे। डोर मैट रेड और ब्लैक कलर और ब्राउन कलर का भी नहीं होना चाहिए। मेन डोर के पास सेफ्टी टैंक भी नहीं होना चाहिए। और डेफिनेटली बहुत बार देखा जाता है कि मिरर्स लगाए जाते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी रिवर्ट करते हैं, तो मिरर डेफिनेटली दरवाजे के सामने मत लगाइए। सच बताओ तो वास्तु में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बर्थडे। आपके घर में जितने लोग रह रहे हैं और जो ओनर है उनका बर्थडे मैटर करता है, एरिया, प्लांट्स मैटर करते हैं, देन उसके साथ में कुछ एडिशन सब्सक्रिप्शंस हो जाती है, और उस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑलवेज बेटर होता है। आपका मतलब मेन डोर की तरफ देखने का नजरिया भी बहुत मैटर करता है, वो सारी चीजें भी आपके लिए बहुत मैटर करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शीतल जी ये सारी जानकारी देने के लिए, और अब हम आपसे ये वाली चीजें समझते रहेंगे। अगर कुछ रेस्टोरेशन कुछ हो रहा है, रेनोवेशन हो रहा है अगर घर में, और उसमें अगर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो कोई ऐसे टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे कि दरवाजे के अराउंड क्या चीजें कर लेनी चाहिए जिससे कि और बेहतर हो सकता हो वास्तु स्थिति घर की?
यस डेफिनेटली, वास्तु की दिशा पहले सुनिश्चित कर लीजिए, जो भी वास्तु एक्सपर्ट आप करने वाले हो, कि वो निगेटिव जोन में नहीं जाना चाहिए। आपका जो डोर है वो निगेटिव जोन में जाता है तो डेफिनेटली घर के जो ओनर है उन्होंने बैक डोर का यूज नहीं करना चाहिए। काफी सारे डिजाइन ऐसे होते हैं जो पॉइंटेड नुकीले खरबड़े होते हैं, तो उससे निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोशिश करिए कि मोस्ट ऑफ टाइम अट्रैक्टिव, बट वो अट्रैक्टिव भी ऐसे होना चाहिए कि प्लेन सरफेस ज्यादा मैटर करता है। एंड यस डेफिनेटली, बहुत बार बहुत जगह पे मैं देखती हूँ कि दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज की डोर हमें अपने आप नहीं बंद करने हैं, हमें उसे खोल के रखने हैं। तो डेफिनेटली इन सारी चीजों के लिए मनी मैग्नेट वास्तु, स्टोन वास्तु, अंतर्गत भू अंतर्गत वास्तु, उनके ऊपर की वास्तु आपको मदद करती है। तो मेन डोर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर वास्तु। ठीक है, मेन डोर वैसे भी घर का सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज होता है, क्योंकि वहीं से एंट्रेंस होता है, वहीं से आप शुरुआत करते हैं। घर का जो पहला जो इमेज मिलती है आपको, वो बाहर से ही कई बार, और बहुत सारे लोग घर अंदर नहीं भी आ रहे होते तो भी मेन डोर को बाहर से देख करके एक अंदाजा लगाते हैं आपकी इमेज का, आपकी प्रोस्पेरिटी का, आपके सक्सेस का, और वो दरवाजा आपका रिफ्लेक्ट करता है। और उसको कह रही हैं शीतल जी कि उसका वास्तु भी बहुत अच्छे से देखना चाहिए। अगर और डिटेल में आप समझना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं वास्तु किस तरीके से काम करता है, या शीतल जी कैसे आपके दरवाजे को से लेकर के आपके घर को और बाकी सारी चीज़ों के कंसल्टेंसी, चाहे वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो और चाहे वो वास्तु से रिलेटेड हो, तो वो दे सकते हैं। नंबर्स और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और समझ सकते हैं। खासकर मुंबई के दर्शकों के लिए एक विशेष सूचना ये है कि कुछ दिनों के लिए अभी मुंबई में होंगी 7 और 8 तारीख को शीतल जी, तो आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उनसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया शीतल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जी शीतल जी कुछ कह रही थी? नहीं, आपने निफ्टी का बोला ही नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत लेकिन हाँ एक चीज जो आपको बधाई भी देनी थी कि पिछली बार जब आप हमसे कनेक्ट हुई थी तो हमने निफ्टी पे बात करी थी और उस पर जो आपने टारगेट्स दिए थे वो भी अचीव हुए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ और ऐसी कोई चीज है जो इस हफ्ते आने वाले हफ्ते में हमें निफ्टी या स्टॉक मार्केट के अंदर में जो ध्यान रखनी? बस प्रॉफिट बुकिंग, दैट्स इट। आपको पता है हमेशा का मेरा फंडा है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, कभी भी कोई भी छोटी सी न्यूज भी आती है तो मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो बेटर टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए काफी अच्छी न्यूज कल आई है, जैसे कि हमने 2021 में डिम्पी सर के साथ प्रेडिक्ट किया था आपके शो पे कि टेलीकॉम सेक्टर्स 2021 में बहुत अच्छा रहेगा, और आपने देखा है टेलीकॉम सेक्टर कितना हाईलाइट हो रहा है। काफी अच्छी न्यूज टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए कल भी हमने देखी है। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच शीतल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और ये सारी जानकारी हमारे साथ में शेयर करने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थी शीतल बाखरे जी, देश की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट, जो बता रही थी कि एक तो मुख्य द्वार कैसा रहना चाहिए और बाजार का द्वार भी कैसा होने वाला है, बाजार के की चाल कैसे होने वाली है। पिछली बार जो उन्होंने पहले बताया था जिस तरीके का निफ्टी के अराउंड जो प्रेडिक्शंस थे वो सटीक निकले हैं, और आगे भी उनसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो सोमवार को फिर उनसे संपर्क करेंगे, उनको लेकर के शो पे आएंगे और उनसे उस अगले हफ्ते का सेटअप भी समझने की कोशिश करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर मार्केट लाइव का सिलसिला जारी करेंगे। हमारे साथ में जुड़ेंगे देश के बड़े बड़े स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार की चाल कैसी है, क्या रणनीति होनी चाहिए और कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मार्केट लाइव।